Good morning, dear students. This time in class 10th science subject, the chapter which is going on is chapter number 13 for science subject, that is magnetic effect of electric currents. और इस chapter magnetic effect of electric current का जो previous video था, उस previous video में हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लूप, क्वाइल और सोलेनाइड के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में स्टडी की थी. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, तो पहले उस कन्फ्यूज़न को हम देख लेते हैं, उस कन्फ्यूज़न को पहले दूर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि फोर्स आने करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जब किसी कंडक्टर को जिसमें कि करंट फ्लो कर रही हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस पर बेस्ड है, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि हमारे जो प्रीवियस डाउट्स थे उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. तो सबसे पहले मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यह है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट की वजह से होता है, मींस जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, राइट. तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, किन पे प्रभावित होता है वो. और जैसे कि हमने उसमें देखा था कि एक तो करंट पे डिपेंड करता है, कि यानी करंट की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट या वो बढ़ता है, मींस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है. और दूसरी चीज ये है कि कंडक्टर से हम कितने डिस्टेंस पे दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख रहे हैं, यानी कि जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है उस कंडक्टर से हम दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितने डिस्टेंस पे रखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. कि जैसे जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर शिफ्ट होते जाते हैं, उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो वीकन होती, यानी वीक होती चली जाती है, वो डिक्रीज करती चली जाती है. और जैसे जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में आप शिफ्ट होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग फील होता है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्ट्रांग फील होते हैं जब हम कंडक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं. और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर शिफ्ट होते हैं, ऐसे सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके वीक होते जाते हैं. तो ये दो पॉइंट थे. तीसरा पॉइंट ये है कि क्या जो कंडक्टर का शेप होता है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रभावित करता है, मींस क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर के शेप पे भी डिपेंड करता है. इज इट द शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो इन लूप, क्वाइल और सोलेनाइड के थ्रू हम यही स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. इन सभी स्ट्रक्चर्स में हमको यही फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम पहले यह समझें कि लूप क्या है, क्वाइल क्या है, सोलेनाइड क्या है, और उसके साथ साथ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है. तो मींस अगर कोई सीधा सीधा वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. अच्छा, दूसरी चीज कि हम वायर को इंसुलेट क्यों करते हैं, इंसुलेशन का क्या मतलब है. इंसुलेशन मींस कि व्हेन ए वायर इज कवर्ड बाय अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, व्हेन अ वायर इज कोटेड विद मींस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसको कहते हैं इंसुलेशन. मींस वायर को जब हम जैसे कि प्लास्टिक की कवर उस पर चढ़ा देते हैं, कॉपर वायर है, कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवर चढ़ गई, ठीक, तो वो क्या हो गया, इंसुलेटेड हो गया. इंसुलेशन क्यों करते हैं हम, इंसुलेशन इसलिए करते हैं कि कहीं जो है कंडक्टर एक दूसरे से टच ना हो. अगर कंडक्टर कहीं दूसरे से टच हो भी जाता, वायर अगर एक दूसरे से टच भी होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसमें शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम ना आए, तो शॉर्ट सर्किटिंग को
हम प्रिवेंट करने के लिए इंसुलेशन करते हैं, जैसे कि इन स्ट्रक्चर्स में हम आप देखिए कि क्या कर रहे हैं, वायर को कितने फोल्ड कर रहे हैं। तो मल्टीपल फोल्ड में जब हम वायर को कर रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि वायर दूसरे से टच कर जाए, और अगर टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी, इसलिए जो है इंसुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मींस जो बिल्कुल क्या है, सीधा सीधा है एकदम। जैसे कि अगर हम इसी को ले ले तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ठीक। अब इसी कंडक्टर को अगर हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ये देखिए एक फोल्ड हो गया, एक राउंड बन गया, तो एक राउंड बन जाने के बाद क्या हो गया, ये लूप हो गया। मींस इस कंडक्टर को अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं, ये ऐसे फोल्ड करते चले जाते हैं, ऐसे राउंड करते चले जाते हैं, वाइंड करते चले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लूप बनेगा। मींस वायर को हम सर्कुलर फॉर्म में या ओवल फॉर्म में जब फोल्ड करते हैं, तो अ स्ट्रेट वायर व्हेन इट इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल आर इन ओवल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लूप। लूप का मतलब ही होता है सर्कुलर, मींस जब वायर सर्कुलर शेप में होता है तो वो लूप कहलाता है। एंड व्हेन देयर इज ए नंबर ऑफ लूप, व्हेन देयर आर मेनी लूप्स, यानी कि स्ट्रेट वायर को क्या किया गया, कई बार उसको फोल्ड कर दिया गया, मल्टीपल टाइम्स उसको फोल्ड कर दिया गया, मल्टीपल टाइम्स उसको राउंड कर दिया गया, तो वो हो गई क्वाइल, ठीक। और जब इसी क्वाइल में इतने सारे टर्न्स हो गए कि वो एक सिलेंड्रिकल रूप यानी सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। देखिए ये आपका स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर को अब हमने ये फोल्ड कर दिया, अब ये जो स्ट्रक्चर आ गया क्या हो गया, ये लूप हो गया, ये लूप बन गया। अब इसी को हम कई तरह से फोल्ड कर देते हैं, कई राउंड कर देते हैं, मेनी फोल्ड कर दे रहे हैं, क्या हो गया क्वाइल। और अब इसी वायर को जब हम इतना ज्यादा फोल्ड करें, मींस ऐसे सर्कुलर पैटर्न में इसको फोल्ड करते जाए ऐसे कंटिन्यू फोल्डिंग करते जाए, और ये फोल्डिंग जो है इस तरह से होगी, ये क्या सिलेंडर का रूप पकड़ ले, ये सिलेंड्रिकल रूप एक्वायर कर ले, सिलेंड्रिकल फॉर्म एक्वायर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा। सोलेनॉइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि सोलेनॉइड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, यन टर्न्स ऑफ ए कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि जब कॉपर वायर को हम मल्टीपल टाइम्स फोल्ड करते हैं, कॉपर वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब ये वायर जो है दूसरे के अगर कहीं कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते भी हैं, तो क्या हो, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, नहीं तो अगर वायर ओपन रहेगा तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट यानी कि शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलेशन कर दिया जाता है, ठीक। तो व्हेन ए कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर इट इज वाउंड इन मल्टीपल टर्न्स एंड इट टेक्स द शेप ऑफ सिलेंडर। आपकी डेफिनेशन क्या है बुक में, देखिए कि ए क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि कॉपर वायर को हमने क्या किया, रैप किया है, रैप का मतलब ऐसे लपेटा है, लपेट दिया है, राउंड बनाया है इसका, मेनी सर्कुलर टर्न्स है इसमें, और मेनी सर्कुलर टर्न्स बनने के बाद ये कैसा जब सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। रहा सोलेनॉइड, इंसुलेटेड वायर, क्वाइल और लूप के बारे में, अब क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इफेक्ट देयर। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर वन, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट अफेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, मींस मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एंड नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, मींस एज we are closer, as much we are closer to the conductor in the same way, in the same proportion, strength of magnetic field will be more. And as we move away from the conductor, जैसे जैसे conductor से हम दूर move करते हैं, तो strength of magnetic field weakens. And as we move towards the conductor, strength of magnetic field improves. ठीक है, अब आ जाते हैं shape of wire पे। See, when a wire is folded into multiple terms, इसको हम ले लेते हैं, इस पोर्शन को ले लें हम, इस वायर में इस पोर्शन को ले लेते हैं हम, ठीक है, इस वायर में हम इस पोर्शन को ले लेते हैं, राइट। यहां पे हम थ्री पॉइंट्स मार्क करते हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री।
When we have folded the wire in form of a coil, when we have made a multiple turn of wire, so the parts of wire falling just in front of each other, जैसे कि ये point और ये point, ये तीनों क्या हो रहे हैं, fold के बाद एक दूसरे के आमने सामने पड़ रहे हैं. In that situation, magnetic field of this part of wire, of this part of wire and of this part of wire get added together. आपके बुक में वही चीज दिया, हम आपके लिए रीड कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग वायर ए गिवन एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट. देयरफॉर इफ देयर इज सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, द फील्ड प्रोड्यूस्ड n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल टर्न. यानी कि अब इसमें क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स के जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्सेस डेवलप होंगे, ये क्या होंगे, एक साथ एड हो जाएंगे, ये एक साथ एसोसिएट हो जाएंगे. और एसोसिएट होने के बाद अब सपोज करिए कि इसमें वन ओरेस्टेड टू ओरेस्टेड, यानी वन ओरेस्टेड वन ओरेस्टेड, तीनों का जो है मान लेते हैं कि वन ओरेस्टेड वन ओरेस्टेड वन ओरेस्टेड, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो तीनों का एड होने के बाद क्या आ जाएगा, थ्री ओरेस्टेड आ जाएगा. ठीक, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब हम वायर को टर्न करते हैं, वायर को वायर में जितने भी फोल्ड बढ़ाएंगे, तो जितने फोल्ड आप बढ़ाएंगे उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. तो यहां से ये कंक्लूड होता है कि वायर के शेप पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है. जैसे ये स्ट्रेट वायर है, तो यहां पर आप कोई सब्सटेंस प्लेस करेंगे, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी, जो फोर्स एक्सपीरियंस होंगे, जब कंपास उसी कंपास को आप यहां प्लेस करेंगे, तो इसका थ्री टाइम्स होगा, इसका थ्री टाइम्स यहां पे मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगे या मैग्नेटिक फील्ड फील होगा. क्यों होगा, उसका रीजन यह है कि यहां पर ये जो थ्री फोल्ड्स बन रहे हैं, तो ये वायर जो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो तीनों पॉइंट्स के मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक साथ कलेक्ट हो जा रही है, एक साथ जुड़ जा रही है, और इसलिए वो n टाइम्स, यानी अगर n फोल्ड्स है तो n टाइम्स हो जाएगा, वन फोल्ड है तो वन टाइम, टू फोल्ड है टू टाइम्स, थ्री फोल्ड है थ्री टाइम्स, एंड सो ऑन, इफ n टर्न n टर्न्स देन n टाइम्स. ठीक, एक पॉइंट और है, क्लॉक फेस रूल. क्लॉक फेस रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन इन ए सर्कुलर लूप करंट पासेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि करंट इधर से आ रही है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, देन दैट फेस ऑफ लूप विल एक्ट एज साउथ पोल. यानी कि कोई एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज पैटर्न में करंट फ्लो कर रही है, यानी इधर से चल रही, क्लॉक ऐसे चलती है ना, ये हो गया, ये मान लो आपका क्लॉक हो गया, ये आर्म्स हो गई क्लॉक की, तो अगर ऐसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन और अगर ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. तो इफ करंट पासेज इन ए सर्कुलर लूप इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन दैट फेस एक्ट एज साउथ पोल. तो यानी कि अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पास कर रही तो ये साउथ पोल हो गया, और दूसरा वाला अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा. जस्ट अपोजिट टू इट, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, देन द फेस विल एक्ट एज द फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल. तो यानी ये फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, एंड अपोजिट वन विल बी साउथ पोल. तो क्लॉक फेस रूल का टोटल कंक्लूजन यह है कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जिस तरफ से करंट इंटर कर रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो फेस क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, और उसके अपोजिट वाला पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा. और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और उसके अपोजिट वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा. इसको आप सोलेनाइड पे अप्लाई कर दें. देखिए ये आपका सोलेनाइड का पूरा सेटअप है, और करंट ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया कि ऑन हो गई, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन है. तो अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल ये कौन सा पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, क्योंकि करंट कैसे आ रही है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ रही है. ठीक, और फिर अपोजिट वाला पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल होगा. चलिए इसको अपोजिट कर लेते हैं, अब
हम क्या करते हैं कि इसको हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक। ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो गया या नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब करंट कैसे फ्लो करेगी? अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि करंट ऐसे फ्लो करेगी। अब करंट कैसे एंटर कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए जाएगी टर्न्स में, ठीक। तो करंट इज एंटरिंग एंटी क्लॉकवाइज, देन नेचुरली दिस विल बी नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया और अपोजिट वाला साउथ पोल हो गया। इसीलिए आपके फिगर में सोलेनाइड में देखिए इसको साउथ पोल दिखाया गया और इसको नॉर्थ पोल दिखाया गया है। तो ये रहा आपके डाउट्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अभी तक के जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जब करंट कंडक्टर में फ्लो करती है तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और जिसकी वजह से वो कंडक्टर किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे फोर्स एग्जर्ट होता है। लेकिन यहाँ का जो पॉइंट है उसका थोड़ा सा अपोजिट है कि करंट जब कंडक्टर में फ्लो करती है तो वो तो मैग्नेटिक बिहेवियर एक्वायर कर लेता है, लेकिन क्या अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो भी कुछ हो सकता है? तो ये ब्रेक थ्रू किया एंड्रे मैरी एम्पियर ने, वही एम्पियर जिन्होंने वो अमीटर दिया या जिनके नेम पर करंट की यूनिट एम्पियर है, वही साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, इन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया, इन्होंने एक इन्वेंशन किया कि इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विसिनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि व्हेन ए कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर बाई ए मैग्नेट, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन ए फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द कंडक्टर बाई मैग्नेट एंड दैट कॉजेज मोशन इन द कंडक्टर। फिर से सुन लीजिए कि अकॉर्डिंग टू एंड्रे मैरी एम्पियर व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मीन्स व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाय ए मैग्नेट देन मैग्नेट एग्जर्ट्स फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दैट फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इट कॉजेज मोशन इन द कंडक्टर। दैट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दैट इज डिफरेंट थिंग, यानी वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा वो बाद में समझेंगे, अभी तो बात यही है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेट के पास रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस कंडक्टर पे क्या होता है? फोर्स एग्जर्ट होता है और जिसकी वजह से कंडक्टर में मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 13.7 आपके बुक की है, आपके लिए हम उसको रीड कर देते हैं कि एक एल्युमिनियम रॉड, टेक एल्युमिनियम रॉड ए बी एंड कनेक्ट इट विद द बैटरी और सेल। तो ये है आपका रॉड ए बी, इसको हमने लिया है और इस रॉड ए बी को कॉपर वायर के थ्रू हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, किसमें? बैटरी से कनेक्ट किया। ये रही आपकी बैटरी और ये रहा प्लग की और ये है कंडक्टर यानी कॉपर वायर और ये है आपका एल्युमिनियम रॉड। और इस एल्युमिनियम रॉड को हमने प्लेस ऐसा किया है कि ये एक हार्सू मैग्नेट लिया हमने, बेंट मैग्नेट लिया, और इस मैग्नेट में हमने एडजस्टमेंट ऐसा रखा कि साउथ पोल ऊपर रखा, नॉर्थ पोल को नीचे रख दिया है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन इज प्लग्ड इन, व्हेन वी प्लग इन द की, यानी कि जब हम इसमें की इंट्रोड्यूस करते हैं, जब इसको हम प्लग इन करते हैं तो करंट पासेस, करंट विल पास इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी और ये होगा डायरेक्शन, ठीक, ये डायरेक्शन होगा और इसके अकॉर्डिंग यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होना हो जाना चाहिए कि ये कंडक्टर, ये एल्युमिनियम रॉड
एल्युमिनियम राड को कनेक्ट किया गया वायर से, वायर को कनेक्ट किया गया प्लग की और बैटरी से, और जब हम प्लग की को इन करते हैं यानी सर्किट को हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो करंट इसमें फ्लो करती है, ठीक है। और जब करंट फ्लो करती है तो ये आपका एल्युमिनियम राड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, बट नेचुरल है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो एक मैग्नेट ये हो गया और दूसरा मैग्नेट ये हो गया, और आपको पता है, यू ऑल नो इट वेरी वेल, दैट व्हेन देयर आर टू मैग्नेट्स नियर बाय, तो आइदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे विल रिपेल ईच अदर, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस सिचुएशन में, यानी कि जब करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो आप ध्यान रखिए कि अब ये जो है कंडक्टर, यानी कि जो एल्युमिनियम राड है, ये अट्रैक्ट होगा। आइए पूरी एक्टिविटी को पहले पढ़ लेते हैं कि प्लेस अ स्ट्रांग हार्सो मैग्नेट इन सच अ वे दैट द राड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्चुअली बिलो द एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्युमिनियम राड। तो ये हमने कर दिया कि ये हार्सो मैग्नेट है आपका, हार्सो मैग्नेट को हमने क्या किया है, इस एल्युमिनियम राड के ऊपर कर दिया साउथ पोल को, और नीचे कर दिया हमने नॉर्थ पोल को। और एल्युमिनियम राड को जब हम सीरीज में बैटरी से कनेक्ट करते हैं और रियोस्टेट से कनेक्ट करते हैं और करंट पास करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि करंट ऐसे आ रही, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी से ए की तरफ हो जाएगी। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए होगा, तो आप ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो राड है ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सिचुएशन को रिवर्स कर दे, यानी कि हम ये कर दें करंट की डायरेक्शन को वैसे ही रहने दे, पोल्स को हम रिवर्स कर देते हैं, मींस व्हेन वी रिवर्स द पोल, मींस नाउ वी आर प्लेसिंग नॉर्थ पोल अबव एंड साउथ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्थ पोल को हमने वर्टिकली अपवर्ड कर दिया और साउथ पोल को वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया, यानी जस्ट उसका उल्टा कर दिया कि अभी पहले साउथ ऊपर था, नॉर्थ नीचे था, अब जो है नॉर्थ को ऊपर कर दिया, साउथ को नीचे कर दिया। नाउ इन दिस सिचुएशन देयर अगेन विल बी मूवमेंट, मूवमेंट अभी भी होगा, एंड नाउ इट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द राइट। अब जो है राड में मूवमेंट कैसा होगा, राइट की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि अभी राड जो लेफ्ट वाइब्रेट कर रही थी, लेफ्ट जो मूव कर रही थी, अब वो राइट मूव करेगी। क्यों? बिकॉज नाउ अपोजिट पोल्स आ गया, नॉर्थ एंड नॉर्थ, अब दोनों नॉर्थ हो गए ये, और नॉर्थ नॉर्थ हो गए तो क्या होगा, अब ये रिपेल करेगा इसको और ये दूर भागेगा, राइट। और दूसरा कंडीशन ये भी है, मीन्स कंडीशन नंबर थ्री, कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दें, मैग्नेट को ऐसे ही रहने दें, यानी कि साउथ को साउथ ही रहने दें और नॉर्थ को नॉर्थ रहने दें, तो क्या होगा, यानी प्रीवियस कंडीशन में ले आते हैं फिर इस सिचुएशन को, और यहाँ पर हम बैटरी का कनेक्शन बदल देते हैं, अभी जो है इधर नेगेटिव था, अब इधर कर देते हैं पॉजिटिव, इधर कर देते हैं, बैटरी का कनेक्शन हम चेंज कर दें, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन तो अब अपोजिट हो जाएगी, मींस करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ऐसे करंट फ्लो करेगी, हर जगह चेंज कर लीजिए, यहां पर भी चेंज कर देते हैं, यहां पर भी चेंजेज होंगे, और करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब क्या होगा, सारी सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दैट हैज बीन चेंज्ड, दैट हैज बीन रिवर्स्ड, इन दैट केस आल्सो द मूवमेंट इन एल्युमिनियम राड विल बी राइट वार्ड। पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझते हैं, एक एल्युमिनियम राड है, एल्युमिनियम राड को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी की और रियोस्टैट, रियोस्टैट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो बैटरी की से हम इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ये सीरीज कनेक्शन बना देते हैं, और इस राड को हम प्लेस करते हैं एक मैग्नेट के जोन में, मीन्स यहाँ पे एक हार्सो मैग्नेट लाते हैं और इस हार्सो मैग्नेट को फर्स्ट कंडीशन में हम करते हैं साउथ पोल को ऊपर और नॉर्थ पोल को नीचे। ऐसे सिचुएशन में जब करंट फ्लो करेगी, तो कंडक्टर का ये जो है ये बनेगा नॉर्थ पोल और ये बनेगा साउथ पोल, तो मूवमेंट इधर हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वार्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को पहले से हम चेंज करते हैं, यानी कि पहले प्लस इधर था, माइनस इधर था, अब क्या किया, माइनस को इधर कर दिया, प्लस को इधर कर दिया, तो अब जो है करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, अल्टर हो गई, यानी करंट अब ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे इस तरह से फ्लो करेगी, और इस सिचुएशन में क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चेंज होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और इसकी वजह से अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, राइट साइड होगा, और
दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड को भी हम रिवर्स कर सकते हैं कि पहले साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है, तो अब इसको कर दे हम ऐसे कि नॉर्थ को ऊपर करके साउथ को नीचे कर दे, तो भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मीन्स ओवरऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर देते हैं तो कंडक्टर पे फोर्स एग्जर्ट होता है, कंडक्टर पे फोर्सेस लगता है और उस फोर्सेस की वजह से कंडक्टर में मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, और वो मूवमेंट इन कंडक्टर किस तरफ होगा मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डिपेंड करेगा टू फैक्टर्स पे, एक तो करंट की डायरेक्शन पे और दूसरा डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम उस एक्टिविटी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं यानी कि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल कर देते हैं या नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल कर देते हैं तो कंडक्टर में मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को भी अल्टर करते हैं यानी सर्किट में अगर हम बैटरी का जो कनेक्शन है उसको हम चेंज करते हैं यानी कि प्लस की तरफ माइनस, माइनस की तरफ प्लस करते हैं, ऐसा करते हैं, तो तब उस सिचुएशन में भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो मींस फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द पोल्स ऑफ मैग्नेट, बाय रिवर्सिंग द पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी सर्किट में करंट के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करके हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यानी मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कंडक्टर में, और उसके साथ साथ मैग्नेट के पोल्स को भी चेंज करके यानी उसकी पोलरिटी को, पोलरिटी का मतलब कि साउथ की जगह नॉर्थ कर देंगे, नॉर्थ की जगह साउथ कर देंगे, मैग्नेट को हम रोटेट करा देंगे, और ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, नंबर वन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि करंट कितनी ज्यादा फ्लो कर रही है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इसमें डेवलप होगा और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी और उसकी वजह से ये चेंजेस हो सकते हैं। और दूसरा जो है डायरेक्शन हम चेंज कर दें या पोलैरिटी चेंज कर दें उसकी वजह से भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि व्हेन वी प्लेस द मैग्नेट एंड दिस रॉड इन 90 डिग्री पोजिशन, व्हेन मैग्नेट एंड रॉड मीन्स वी एडजस्ट इन दिस सिचुएशन दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोज फॉल जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन 90 डिग्री, या आप कहें कि इस तरह से अगर पड़ रहा है जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर पड़ रहा है देन फोर्स एग्जर्टेड इज मैक्सिमम। मीन्स फोर्स किसी भी एंगल पे आप रखेंगे इस मैग्नेट को और कंडक्टर को फोर्सेज एग्जर्ट होंगे, लेकिन मैक्सिमम फोर्स इज एग्जर्टेड, मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा व्हेन यू प्लेस द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट यू एडजस्ट इन दिस वे दैट दे आर फॉलिंग 90 डिग्री टू ईच अदर। जब वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे पड़ेंगे तो फोर्स मैक्सिमम एग्जर्ट होगा, सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्यों होगा, उसका रीजन ये है एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, एक फार्मूला होता है, ये आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, वेयर एफ इज द फोर्स, आई इज द करंट, B is the magnetic field, L is the conductor length and sin theta that is angle between the conductor and means angle between the conductor or current and the magnetic force or magnet, यानी कि magnetic field और current की direction के बीच का जो angle है वो क्या है, theta है, L length of conductor है यानी वो AB की length है, B जो है magnetic field है और I क्या है, current है। तो इन सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, बस इतना जान लेते हैं कि F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, साइन थीटा क्यों होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखने जाएंगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मीन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो अगर हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे 0 से लेकर के 90 के बीच में तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की आती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आती है, बाकी सबकी वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में आती है यानी कि 0, 30 और 60 की, तो क्योंकि साइन 90 के लिए साइन थीटा की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही है तो यानी ये 1 हो रहा है, तो इसलिए ये एंगल सबसे सुटेबल एंगल है
कि सबसे मैक्सिमम फोर्सेस एग्जर्ट करें। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, जहां पर I करंट है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ वो कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और साइन थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये जो रेशियो बनता है, साइन रेशियो बनता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10th में आप ज़्यादा कन्फर्म हो पाएंगे। तो साइन थीटा जो बन रहा है, साइन थीटा में साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90, तो अगर हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे, आप मैथ्स बुक में देख भी सकते हो कि वहाँ पे साइन 90 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इसीलिए ये जो है 90 डिग्री पे जब कंडक्टर्स प्लेस किए जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग प्रोड्यूस होता है। तो ये है टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। दिस वॉज एक्सप्लेन बाई द साइंटिस्ट फ्लेमिंग एंड ही गेव अ रूल विच इज कॉल्ड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी या मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगा कंडक्टर, तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होगा। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है कि स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी पहले तो आप लेफ्ट हैंड लीजिए, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड सपोज दैट दिस फर्स्ट फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस मिडिल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ये रखा, मैग्नेटिक फील्ड ये है और करेंट की डायरेक्शन की फ्लो ये है। तो देखिए 90 डिग्री हो गए दोनों, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, देन थंब जो है वो बताएगा, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि कंडक्टर आपका इधर मूव करेगा। यानी ये सिचुएशन हो गई कि अगर मैग्नेट आपने इधर रखा है और करंट ऐसे डाउनवर्ड फ्लो कर रही है तो कंडक्टर कहाँ जाएगा, इस साइड पे मूव करेगा। अब इसी को हम अपोजिट कर ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे टर्न कर देते हैं कि मान लो कि मैग्नेट आपने इधर रख रखा है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आ जाइए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ चल रही है, ये साउथ टू नॉर्थ हुआ इस प्लेन में, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट चल रही है और ये आपका मैग्नेट हो गया तो मोशन कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी कि वेस्ट वार्ड ईस्ट वार्ड हो जाएगा, ये ईस्ट वार्ड मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर्स मीन्स थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर एडजस्ट करते हैं, और हम सपोज करें कि जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, और जो ये फर्स्ट फिंगर है ये इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो ये थंब जो है वो मोशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मूवमेंट इस तरफ होगा। अब इसको ऐसे कर दें, यानी करंट अगर डाउनवर्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मोशन क्या हो जाएगा, वेस्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो मीन्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जस्ट और जस्ट ये बताने का प्रयास किया गया है, ये एफर्ट था फ्लेमिंग का, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है। और दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट बैक्ट पॉसिबल द डिस्कवरी ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी जो डिवाइसेस पॉसिबल हुई हैं वो इस इफेक्ट के बाद पॉसिबल हुई हैं कि जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही हो तो कंडक्टर पे फोर्स लगता है। जब ये फेनोमेनन, जब ये बात फ्लेमिंग ने डिस्कवर करके बता दी, तो उससे जो है मोटर और जनरेटर जैसी डिवाइसेस पॉसिबल हुई हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, और इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रेंथ को, उसकी फंक्शनिंग एबिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी हेडिंग 13.4
4 यानी इलेक्ट्रिक मोटर को के बारे में जरूर स्टडी कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आप स्टडी किए रहेंगे उसके बाद वीडियो देखेंगे और फिर से स्टडी करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।